आप अच्छे मिल गए हैं, अब बतूनी हो थोड़े अच्छे बात करते हुए निकलेंगे। सर क्या करना, सफर में बात करके निकल जाएंगे, जल्दी कट जाना है। हाँ क्यों, आप हरियाणा के ही लग रहे हैं? मैं हरियाणा का हूँ। हाँ बस रोहतक से। आपको सब रोहतक से? हाँ जी रोहतक से सर। राम राम भाई सभी को, मैं विक्की खत्री अपने चैनल एबी कैब वाला के नए ब्लॉग में आपका करता हूं स्वागत। और आज चलिए आज की शुरुआत करते हैं हम करोल बाग से। करोल बाग में मैं खड़ा हुआ था तो ड्यूटी आई यमुनानगर की वन वे ड्रॉप ओला पे, 6,100 कुछ रुपए उसका फेयर शो कर रहे हैं अभी, बाकी लास्ट में ड्रॉप होगा तो फाइनल पता चलेगा कितना टोटल बिल हुआ। तो जो बुकिंग आई है वो आई है पहाड़गंज आरा कंसा रोड से, तो मैं जा रहा हूँ आरा कंसा रोड पिकअप करने के लिए और अभी खड़ा हूँ पहाड़गंज थाने की रेड लाइट पे। तो अभी जैसे ही पिकअप करते हैं तो मिलते हैं पैसेंजर से, कौन है और कितने पैसेंजर हैं, करते हैं आपको अपडेट। और इस यमुनानगर में पहले भी जा चुका हूँ तो इसमें टोटल खर्चा जो भी आएगा सीएनजी कितने की लगेगी, कितना टोल और स्टेट टैक्स लगेगा वो मैं बताता हूँ। और ये सिर्फ वन वे की ड्यूटी है, ड्रॉप करके वापस आना है, या तो खाली या कोई बुकिंग आ गई तो फिर बुकिंग लेके। तो चलिए बने रहिए इस व्लॉग में। पैसेंजर कितने हैं सर? दो ही है क्या? अगर बीच में नहीं रुके तो 2:45 to 3:30 ना, एकदम लो कर देना। एक बार थोड़ा ठंडा हो जाएगा फिर, चाहे आप हाईवे पे बंद करा लेना चाहे। ठीक है होगा अभी, क्योंकि जो मुझे पता है ना इंडस्ट्रियल एरिया जो है यमुनानगर का, वो यमुनानगर सिटी से पहले ही पड़ता है एंट्रेंस पे। आप किस तरफ से जाते हैं सर? वाया सहारनपुर वाले रास्ते से जाते हैं करनाल? अच्छा पहली बार जा रहे हैं हमने, जो भी जीपीएस एड्रेस गूगल एड्रेस। ठीक है ठीक है, जीपीएस मांग देते हैं। हां मैं एक छोटी सी आपको बात बता रहा हूं सर, दो रास्ते हैं यहां से शो कर रहा है, दो रास्ते जिसमें से एक में लग रहे हैं सर 5 घंटे 11 मिनट 208 किलोमीटर, और एक है जिसमें लग रहे हैं 4 घंटे 7 मिनट 240 किलोमीटर। तो आप जो कहेंगे उस पे से निकल जाएंगे। 240 किलोमीटर वाले पे चलो क्योंकि वो लगता है हाईवे है ना, एक्सप्रेस वे है वो। सही चलिए, ज़्यादा अच्छा है ना, घूमते जामते चले। गूगल एड्रेस, गूगल लोकेशन एड्रेस। ओके आप अपने फ़ोन में भी डाल के देख लीजिए चाहे तो। एक रास्ते से 208 किलोमीटर 5 घंटे प्लस से होकर रहे हैं, एक घंटे से एक वन एक रास्ते से 200 अच्छा होगा ना इसलिए। हाँ शायद एक रास्ते से 2 घंटे 40 मिनट नहीं, तो फिर वो सवारी से पूछना जरूरी है, मैं तो कई बार गया हूँ। मतलब आप क्या एडवाइस करते हो? तो अगर टाइम का शॉर्टेज है तो फिर 240 किलोमीटर वाला ठीक है। अच्छा ऐसा है कि और टाइम का शॉर्टेज है तो अगर आराम से ही पहुंचना है तो कहीं से भी चलो, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारा इसका ओला का लिमिट कितना बोल रहा है? 183 के बाद हमको वो एक्स्ट्रा वो बिल में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। देखो आपकी यमुनानगर 183, अगर इस रास्ते से चल पड़ूंगा मैं तो ये भी रास्ता एक वाया करनाल ही है, तो इसी रास्ते से ना इससे चलो, क्योंकि गूगल अलग दिखा रहा है एक रास्ता करनाल से भी है। ये इसका टाइम कितना ले रहा है देखिए, तो वो देख लेते हैं। आप अपना भी सुविधा देखिए। हाँ जरूर जरूर सर, आपकी सुविधा भी सबसे पहले है, मैं आपका देख रहा हूँ। क्यों टाइम तो आपने 3 बजे मीटिंग है ना आपकी, उससे तो मैं हर हाल में पहले छोड़ दूँ ना वो 183 वाला जो हाँ, उसको देख ले, करनाल वाला है ना। हाँ, वाया करनाल। हाँ जी करनाल है सर, यहाँ से 132 किलोमीटर, और करनाल से फिर यमुनानगर है 80 किलोमीटर, 132-200 के आसपास बस पर ये वाले। हाँ 3 घंटे के आसपास यमुनानगर करनाल का लगेगा, और फिर 1.5 घंटा भी यमुनानगर का, वो 4-4.5 घंटे लगेंगे और किलोमीटर भी कम हो जाएंगे। ये वाला रूट लीजिए करनाल वाला। ठीक है सर, कहाँ से आए सर? हम दोनों आए हैं अरुणाचल से, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। ईटानगर तो वैसे मैं हूँ इंदौर का। हाँ क्योंकि सर तो लगते हैं अरुणाचल के, आप तो नहीं और क्या सर, यहाँ इतने स्टूडेंट हैं अरुणाचल वाले, हमारे इधर हमारे यहाँ पीजी है पटेल नगर में। अच्छा। काफी हैं बंदे। एक दो साल बाद में भी अरुणाचल के लगने लगूंगा, अभी अरुणाचल में रहने लगा हूँ। कनॉट प्लेस है ना? जी कनॉट प्लेस है सर। जी जी आप अच्छे मिल गए, अब बतूनी हो थोड़े अच्छे बात करते हुए निकलेंगे सर। क्या करना, सफर में बात करके निकल जाएंगे, जल्दी कट जाना है। हाँ क्यों आप हरियाणा के ही लग रहे हैं? मैं हरियाणा का हूँ। हाँ बस रोहतक से। आपको सब रोहतक से? हाँ जी रोहतक से सर। चार्जर
बिल्कुल लग गया सर, आप चार्जिंग पे लगा दीजिए या पीछे ही लगा लो इसको सर, यहाँ लगाओ। ये बैग में रख लीजिए सर, इससे ज़्यादा तो नहीं आया क्या सर? बहुत तो भाइयों ड्रॉप हो गया मेरा पहाड़गंज से यमुनानगर वाली ड्यूटी का। तो अभी टाइम हुआ है करीब 2 बजे हैं, 2 बजने से मैं भी 15 मिनट बाकी हैं। तो मैं वहाँ से 9:30 बजे चला था दिल्ली से, तो रास्ते में 1 घंटा स्टॉप किया था गणपति होटल पे, वहाँ मैंने लंच किया था और पैसेंजर ने सिर्फ चाय वगैरह पिया था। तो भाई हम आए थे वाया यूपी में, वाया मेरठ मुजफ्फरनगर से हुए थे, क्योंकि इस तरफ से सवारी बोली थी उस तरफ से रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, उस तरफ से नहीं जाना है, तो हम आए थे इस तरफ से। तो टोटल गाड़ी मेरी इसमें चली 250 किलोमीटर। तो इस 250 किलोमीटर में करीब 1000 रुपये के आसपास मेरी गैस लगी होगी, और टोल और स्टेट टैक्स दोनों मिला के टोटल लगा मेरा 840 रुपये, और पैसेंजर का बिल इसमें बना है 8700 रुपये प्लस 840 रुपये टोल और स्टेट टैक्स। तो भाई पैसेंजर को तो अभी कर दिया ड्रॉप, पैसेंजर को कल जाना है, बात हुई है कल जाने के लिए, अगर जाएंगे तो कॉल करेंगे, अगर ओला इनको मिल गई तो ओला में चले जाएंगे, अगर पहले ही इन्होंने मुझे बता दिया तो मैं पिकअप कर लूँगा यहाँ से वापसी। बाकी इनका कोई शेड्यूल फाइनल नहीं है कितने बजे निकलेंगे और कितने बजे इनका काम ख़त्म होगा, तो इसलिए इस बुकिंग का तो मुझे वेट करना नहीं, मैं निकलूँगा अब दिल्ली के लिए। तो इस ड्यूटी में टोटल खर्च हुआ है टोल स्टेट टैक्स और CNG लगा के 1840 रुपये का। तो भाइयों चलो आज के व्लॉग का करता हूँ एंड, और आपसे मिलेंगे फिर अगली ड्यूटी में। कल कहाँ के लिए ड्यूटी होगी और कौन सवारी होंगी, कहाँ जाएंगे, तो कल करेंगे उसके बारे में बात। तो अपने भाई विक्की खत्री को दे इजाज़त, जय भारत, जय हरियाणा, जय हिंद।